Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the differences between need and want. Need vs require, need vs should and must. Need का इस्तेमाल हम कब करते हैं और want का इस्तेमाल कब करते हैं? Require का इस्तेमाल कब करते हैं और should और must का इस्तेमाल कब करते हैं? हालांकि सबका हिंदी अर्थ एक ही होता है, चाहिए। चाहिए का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि चाहिए मतलब क्या होता है, बट सबका इस्तेमाल अलग अलग तरह के चाहिए के लिए होता है। तो क्या चाहिए होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, यही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, नीड फर्स्ट टॉपिक इज द नीड वीएस वांट। नीड और वांट, वांट का मतलब भी चाहिए होता है, नीड का मतलब भी चाहिए होता है, बट दोनों में फर्क क्या है? जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, यानी कि कुछ किसी चीज़ की हम डिज़ायर करते हैं, कि कोई चीज़ पाने की डिज़ायर करते हैं, कहीं कुछ कुछ करने की डिज़ायर करते हैं, तो वहाँ पर हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है, मुझे एक पेन चाहिए, अगर वहाँ पर नीड है मीन्स ज़रूरत है, अगर वहाँ पे बिना पेन के काम नहीं चलने वाला है, तो वहाँ पर हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। और वहाँ पर सिर्फ हमारी डिज़ायर है, सिर्फ इच्छा है हमारी, सिर्फ चाहत है कि मुझे एक पेन चाहिए, यानी मैं एक पेन चाहता हूँ, तो वहाँ पर वांट का इस्तेमाल होगा। तो हो जाएगा मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। कब? जब ऐसा लगे कि बिना पेन के काम नहीं चलने वाला है, तो नीड का इस्तेमाल होगा। और जब सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारी चाहत है कि मुझे एक पेन चाहिए, ओके, तो आई वॉन्ट अ पेन। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों में आपको फर्क पता चल रहा है ना? जैसे अगर एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़प कर मरने लगेगी, फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि मछली को पानी की ज़रूरत है, द फिश नीड्स वाटर। वहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि द फिश वांट्स वाटर, मछली पानी चाहती है या मछली को पानी चाहिए। यहाँ पर चाहिए डिज़ायर हो गया, और नीड उसकी ज़रूरत हो गई, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है, वो मर जाएगी बिना उसके, मतलब वो बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है, तो नीड होगा। ओके फ्रेंड्स, रात का टाइम हो गया, 8 बज गया, हम रोज रात को 8 बजे खाना खाते हैं, 8 बज गया तो हमें क्या चाहिए, वी नीड डिनर। वहां पर हम ये नहीं बोलेंगे आई वॉन्ट डिनर, आई वी नीड डिनर ऐसा कहना सही रहेगा, क्योंकि बिना खाना के काम नहीं चलेगा। ओके फ्रेंड्स, चाहत ऐसी चीज होती है जहां वॉन्ट होती है, वो ऐसी चीज़ होती है जहाँ उसके बगैर काम चल सकता है, सिर्फ वो डिज़ायर होती है, हमारी इच्छा होती है, बट नीड वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर उसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, तो नीड का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको नीड और वांट के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, नीड वीएस रिक्वायर। नीड और रिक्वायर ये दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, बट रिक्वायर इज यूज्ड एज अ फॉर्मल इंग्लिश एंड नीड इज यूज फॉर लेस फॉर्मल इंग्लिश। मतलब रिक्वायर फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है और नीड लेस फॉर्मल, मतलब थोड़ा फॉर्मल से कम में इस्तेमाल होता है, बट दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। ओके फ्रेंड्स, रिक्वायर का मतलब भी होता है कि कुछ चीज़ की मांग होना, ज़रूरत होना। जैसे अगर एक कंपनी में 10 आदमी चाहिए काम करने के लिए, वहाँ पर सिर्फ 5 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब 5 आदमी से काम नहीं चलने वाला है, तो 5 आदमी और ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 more men आर रिक्वायर्ड। ओके फ्रेंड्स, ये वहाँ पर बोल सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, यानी 1 गिलास पानी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आई रिक्वायर 1 glass of water बोल सकते हैं, और आई नीड 1 glass of water ये भी बोल सकते हैं। दोनों
सही है, बट रिक्वायर का इस्तेमाल करना एक फॉर्मल इंग्लिश है और नीड थोड़ा फॉर्मल से नीचे होता है। बट आप ये मत सोचना कि अगर हम नीड की जगह रिक्वायर का इस्तेमाल करते हैं तो गलत होगा। ओके फ्रेंड्स, नीड और रिक्वायर दोनों का इस्तेमाल हम एक ही तरह के सेंटेंस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है, रिक्वायर वही होती है जहाँ पर कुछ चीज़ की कमी होती है, नीड भी वही होता है जहाँ पर कुछ चीज़ की कमी होती है और वो चीज़ चाहिए होता है, तो वहाँ पर नीड और वहीं पर रिक्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फॉर्मल और लेस फॉर्मल का फर्क है। ओके फ्रेंड्स, आगे है नीड वीएस शुड एंड मस्ट। नीड का तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नीड वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, तो वहाँ पर हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। बट शुड और मस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? शुड और मस्ट का इस्तेमाल चाहिए के लिए वहाँ पे होता है जहाँ पर हम किसी को सजेशन देने या खुद को सजेशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम किसी से सलाह मांगते हैं या सलाह देते हैं तो वहाँ पर हम शुड या मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, अगर यहाँ पर आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है हमने बोली, तो यहाँ पर यू नीड टू लर्न इंग्लिश होगा, क्योंकि आपको अब इंग्लिश के बिना काम नहीं चलने वाला है। आपका जो जॉब है वहाँ पर इंग्लिश का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यू नीड टू लर्न इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर है आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हम ये आपको सलाह दे रहे हैं, ये आपकी ज़रूरत हो या ना हो, आगे चल के ज़रूरत बन सकती है, इसके लिए हम सलाह दे रहे हैं आपको कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। अगर हम मस्ट की बात कहें तो मस्ट वहाँ पर हम लगाते हैं जहाँ पर चाहिए वाली बात को ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं, यानी कि अवश्य या ज़रूर लगाकर बोलते हैं। जैसे आपको अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नीड का इस्तेमाल चाहिए के लिए करते हैं, कब? जब जो चीज़ हमें चाहिए होता है उस चीज़ के बिना काम नहीं चलने वाला है, तो वहाँ पर नीड की ज़रूरत होती है, यानी कि नीड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो वहाँ पर शुड या मस्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि हम वहाँ पर शुड और मस्ट लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि नीड और वांट में क्या फ़र्क है, नीड और रिक्वायर में क्या फ़र्क है, नीड और शुड और मस्ट में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को समझना है। बट बोलते वक्त आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मैं कौन सा बोलूँ, आपको बोलते वक्त जो भी आपके ज़बान पे आ रहा है आप बोल दो, जल्दीबाजी में कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पर आप सोचने जाएंगे तो बोलने में देर हो जाएगी। बट हाँ, धीरे धीरे आदत डालो कि हम सही चीज़ बोले। ओके फ्रेंड्स, बस आपको एक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया कि नीड एक्चुअली में इस्तेमाल कहाँ होता है और रिक्वायर कहाँ होता है, नीड का इस्तेमाल कहाँ होता है और वांट का इस्तेमाल कहाँ होता है। बट लैंग्वेज में बोलचाल है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप अगर बोलेंगे आई नीड टू गो, आई वांट टू गो, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलत या ब्लंडर मिस्टेक वाली बात नहीं हो जाएगी, सिंपल बात है, सामने वाला समझ जाएगा। बट सही चीज़ का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और हाँ, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।